सो हेलो गाइज, मैं हूँ झाला प्रीतेश। आपका स्वागत है टेक्निकल और मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस की। मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि 18-19 लाख में ये गाड़ी लेना क्या वर्थित है, कब, इसीलिए पूरे वीडियो में बने रह गए। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में आपको डेफिनेटली दूंगा। अब इससे पहले भी मैंने किया सेल्टोस का एक रिव्यू किया था, लेकिन वो था HTK प्लस IMT वेरिएंट का था। ये अगर इस वेरिएंट की मैं बात करूँ तो ये है आपका किया सेल्टोस का HTX वेरिएंट, जिसे आप GT लाइन भी बुलाते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग वेरियंट इन सेल्टोस सेगमेंट। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी पावर स्पेक्स भी देखने को मिलेंगे और आपको फीचर्स भी बहुत ही अच्छे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े से बेहतरीन सिनेमेटिक शॉट आपको देखने को मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिनेमेटिक शॉट्स पसंद आए। अब बात करते हैं फ्रंट में ग्रिल की। देखिए तो आपको यहाँ पे किया का लोगो देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको पूरी ग्रिल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको GT लाइन का बेज भी देखने को मिलेगा। और किया इसे टाइगर नोज ग्रिल बुलाती है। ग्रिल काफ़ी अच्छी लग रही है और मतलब कुछ मायने में आपको रेंज रोवर की थोड़ी सी फील देती है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे अब लाइट्स पे आ जाए तो आपको यहाँ पे 4 LED लैंप्स देखने को मिलेंगे, चारों के चारों प्रोजेक्टर्स हैं। और यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने को मिलेंगी और या इधर भी आपको लाइट का जो फंक्शन काफ़ी बेहतर लगने वाला है। आप देख भी सकते हो कैमरा में काफ़ी अच्छी तरह से आपको दिखने वाला है और रात में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। गाड़ी दूर से जब भी आती है तब भी मतलब स्टेलर लगती है। और इधर नीचे की बात करें तो आपको डायमंड फॉग लैंप देखने को मिलेंगे। इनके जो लोअर ट्रिम्स होते हैं सेल्टोस के, उसमें आपको ऐसे फॉग लैंप नहीं देखने को मिलेंगे, आपको वहाँ पे प्रोजेक्टर वाले गोल फॉग लैंप देखने को मिलेंगे। और हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ मैं तो आपको 190 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। और अब तो काफ़ी मतलब सेलिंग के मामले में भी कई अच्छे पॉइंट्स में आती, हमेशा से अब अपने लॉन्च टाइम के वक्त से ही काफ़ी अच्छी इसकी सेल रही और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब किसी इसकी जो सेल्स है वो डाउन हुई है। सेल्टोस एक यही प्रोडक्ट है जो मतलब किया जिससे इंडिया में आई और मतलब धूम मचा दी। अब साइड से बात करते हैं। हाँ, मतलब साइड्स में आपको थोड़ा सा मैं डायमेंशन जो सेक्शन आता है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दूंगा। अगर मैं मतलब मैं बोल भी सकता हूँ लेकिन अब कई लोगों को वो थोड़ा सा बोर भी लगने वाला है, इसलिए मैं कभी भी अपने वीडियो में जो डायमेंशन है वो बोलता नहीं, जस्ट मैं अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अगर दूर से इस एलॉय व्हील्स की बात करें तो आपको काफ़ी बेहतरीन दिखने वाला है एलॉय का लुक। और ब्रेक्स की बात करें तो चारों के चारों आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। देखिए आपको कैमरा में दिख ही रहा होगा। काफ़ी अच्छी तरह से आपको एलॉयस दिखने वाले हैं और यहाँ पर आपको रेड स्ट्रिप्स भी दिखने को वाली हैं। और एलॉय व्हील्स की साइज़ की बात करें तो R17 इंच का आपको एलॉयस देखने को मिलेगा। JK टायर देखने को मिलेंगे आपको। टायर का ब्रांड की बात करें तो साइड से भी कुछ इस तरह से आपको दिखने वाले हो, बट जो सारे इसके डायमेंशन हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। और इधर भी आपको क्रोम की देखने को मिलेगी और साइड मिरर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इंडिकेटर्स भी इधर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉप मैनुअल का टॉप वेरियंट है तो ऑब्वियसली चीज़ है कि आपको यहाँ पर दिखने वाली है। अब हाँ, वाइपर की बात करें तो आपको नॉर्मल वाले आपको वाइपर्स दिए जाते हैं, एरोट्विन नहीं दिए जाते। हाँ, अब
इंजन स्पेक्स की बात करें तो आपको खोल के मैं ही बता ही देता हूँ। मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे इंसुलिन किया गया है, और बोनेट के वेट की बात करें तो काफ़ी अच्छा वेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको 1.2 टर्बो जीडीए देखने को मिलेगा, और इसके पावर की बात करें तो 138 bhp के पावर, और आपको टॉर्क की बात करें तो 242 mm का आपको टॉर्क देखने को मिलता है, जो मतलब काफ़ी बेहतरीन है इस साइज़ की कार, और वेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे एक इंजन देखने को मिलेगा, और आपको पूरे जो यहाँ पे इंसुलेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से किए गए हैं। अब बंद करते कर लेते हैं। जो बोनेट का जो वेट था काफ़ी हैवी था। 1.4 टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो आपको इसमें आपको एआरआई माइलेज आपको 18 की मिल जाएगी, लेकिन ऑन अ हाईवे आपको 16-17 की, और ऑन अ सिटी आपको 13-14 की मिल जाएगी। इस तरह से आप बात करते हैं तो इधर भी आपको रेड स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी, और इधर भी आपको काफ़ी अच्छे मतलब एलॉय तो मैंने बात कर ली, लेकिन मुझे इस एलॉय से प्यार हो गया क्योंकि काफ़ी अच्छे दिखते हैं ये एलॉय। और हाँ, फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको 50 लीटर्स का आपको दिखने वाला है। और अब सेल्टोस के पीछे की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाले, और देखिए इसकी जो मैं लाइट थोड़ी सी कम कर दूँ तो कितना बेहतरीन लग रहा है नाइट में, इसकी जो लाइट्स है वो काफ़ी बेहतरीन दिखने वाली है आपको। और हाँ, इधर आपको GT का एक और बैजिंग देखने को मिलता है, और आपको TGDI का भी एक बैज देखने को मिलेगा, और इस कार में आपको गियर कनेक्ट भी देखने को मिलेगा। और आपको बूट स्पेस की मैं बात करूँ तो आपको 433 लीटर्स का आपका बूट स्पेस देखने वाला है, और इधर आपको बूट लैंप भी मिलेगा। और इधर आपको टायर्स की बात करूँ तो आपको 1 इंच छोटा देखने को मिलेगा, अगर मतलब किया चाहती तो दे सकते थे, लेकिन कोई नहीं। वैसे भी टॉप वेरिएंट में आपको कभी कई कंपनियां देती, ऐसे नहीं है कि नहीं देती कोई कंपनियां, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंपनियां 1 इंच छोटा ही देती है। इधर आपको बात करें तो आपको थोड़ी सी इधर जगह भी मिल जाएगी, और आगे भी आपको इधर नीचे से आप स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और जो ये जो सीट है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब कि आप कोई भी हैवी वेट है फिर भी आप मैनेज करके ऊपर भी रख सकते हो। और सीट्स की बात करूँ मैं तो आगे वाली जो सीट है इसकी वो रिक्लाइन भी हो जाती है, यहाँ पे आप जैसे कि देख ही सकते हो पूरा 60-40 वाला रेशियो है, वो डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, और अपना कोई से भी बड़ा सामान आपको ले जाना चाहो तो भी आप ले जा सकते हो। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की, तो आपको देखे तो यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा, उस तरफ मेरे हिसाब से शायद नहीं देखने मिलता, लेकिन मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखा दूंगा कि मिलता है या नहीं। जो रिक्वेस्ट सेंसर की बात थी वो मतलब कि आपको ड्राइवर साइड ही देखने को मिलेगा, आपको पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं देखने को मिलेगा। डोर्स की बात करूँ मैं तो यहाँ पर आपको कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा, क्या करें अब आईफोन में भी भाई झमेले रह गए अब तो। अब यहाँ पे बात करूँ तो आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, और ये आपको साइड मिरर के सारे कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ पे बोस के स्पीकर्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स माने जाते हैं। और आपको स्पीकर्स की बात करूँ तो आपको 8 स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, और 4 ट्विटर्स और 1 सबवूफर आपको देखने को मिलेगा। अब गाड़ी के अंदर बैठते, लेकिन हाँ उससे पहले यहाँ पे आपको 8-way एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट देखने को मिलेगी, नीचे कर देता हूँ जिससे आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिले। यहाँ पे आपको बात करें तो आपको हेडलाइट की लेवलिंग यहाँ
पर आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हेडअप डिस्प्ले हेडअप डिस्प्ले का नहीं, लेकिन आपको जो यहाँ पे पूरी गाड़ी की जो एम्बियंस आपको कम करनी है, ज़्यादा करनी हो, उस लाइट का लाइट एम्बियंस की लाइट का जो ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हेडअप डिस्प्ले का बटन दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख ही रही होगी। काफ़ी अच्छी फीचर है हेडअप डिस्प्ले, आपको नाइट ड्राइव में काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये फीचर, और डे ड्राइव में भी आपको काफ़ी अच्छा फीचर रहने वाला आपके यूजेस के लिए। और यहाँ पर आपको पुश स्टॉप स्टॉप बटन इधर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको और आपको यहाँ पे जीटी लाइन का बेजिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर के सारे कंट्रोल्स, और यहाँ इंफोटेनमेंट रिलेटेड आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रिप वन, ट्रिप टू, सारी ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको नॉर्मल इंडिया में जैसी कार आती है वहाँ पर आपको लाइट्स की जो सारा एडजस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा वाइपर का एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको 10 इंचेस के आपको स्क्रीन साइज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 360 व्यू देखने को मिलेगा, और आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, पची उसके बाद मिरर लिंक, मैप्स, इंटीग्रेटेड मैप्स भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। उस ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, और इधर आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइप सी नहीं दिया जाए, मेरे से सेल्टोस में ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि यार 19-20 लाख की गाड़ी आप ले रहे हो तो उसमें आपको टाइप सी पोर्ट तो एक देना ही पड़ेगा। और हाँ, यहाँ मैं एक मेन फीचर तो भूल ही गया कि आपको वेंटिलेटेड सीट्स आती है, और आपको यहाँ पे पार्किंग का इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का आपको बटन भी दिया जाता है। और आपको 6-speed मैनुअल है ये वेरियंट, और जो पूरा डैशबोर्ड है ना आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पूरी सॉफ्ट टच देने की कोशिश की गई है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता, लेकिन फिर भी यार देखो सेल्टोस एक भी मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट रहा है। सो किया वालों ने कुछ तो, मतलब जब आई थी तब ये मतलब सॉफ्ट टच वाला चीज़ नहीं थी, लेकिन बाय द टाइम उन्होंने किया। और यहाँ पे स्टेयरिंग पे भी आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट टच है देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक डिमिन आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिलेंगे। यार फोकस भी क्यों नहीं कर रहा यार ये, हाँ अब कर रहा है। यहाँ पे आपको SOS का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली किया कनेक्ट का भी बटन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बात करो तो आपको टिकट होल्डर दिया जाता है, यहाँ पे आपको मिरर नहीं दिया जाता। और इधर की बात करें तो आपको मिरर दिया जाता है, लेकिन लाइट्स नहीं दिए जाते। और हाँ, ये आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा, और ये आपको सनरूफ के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। सनरूफ इतनी खुलती है, थोड़ा सा अभी भी, हाँ मतलब इतनी सनरूफ आपको दी जाती है। वैसे कोई काम नहीं है सनरूफ का, क्योंकि इतनी छोटी में एक ही आदमी निकल भी सकता है, और वो भी कहीं मतलब अच्छा हेल्दी होगा तो वो भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन कोई नहीं। ग्लव बॉक्स में बात करूँ तो आपको कूल्ड नहीं दिया जाता है यहाँ पे ग्लव बॉक्स, लेकिन उतना भी कूल भी नहीं है और उतना बड़ा भी नहीं है इसका ग्लव बॉक्स। और इधर बात करें तो आपको कप होल्डर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हैंड ब्रेक तो आपको मिलेगी ही, और आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट के नीचे थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है। आपके लिए मैंने ये कैमरा जो एंगल है वो मैंने 0.5x पे कर दिया, जिससे आप डायरेक्टली पूरा डैशबोर्ड का व्यू देख सके। तो बताइए कमेंट में कि आपको किया सेल्टोस का फ्रंट इंटीरियर कैसा लगा। आप पीछे चलते हैं कि कितनी स्पेस रह जाती है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सीट ड्राइविंग पोस्चर जो है वो अपने हिसाब से सेट कर लेते हो। लेकिन उससे भी एक पहली चीज़ मैंने अभी ही नोटिस किया कि आपको
जो यहाँ पे रेस पेडल है या सारे पेडल से आपको स्टील्स के दिखने वाले काफी अच्छी चीज है ये। और हाँ, सेल्टोस की अगर सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूँ तो सेल्टोस एक 3-स्टार रेटेड गाड़ी है, उसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिलेगा, ABS, EBD और 360 व्यू और फॉलो मी हेडलैम्प देखने को मिलेगा। मतलब फीचर के नाम पे आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलेंगे, आपको ऐसी कोई घबराने की चीज़ नहीं है। अगर आप इसके जो टॉप वेरियंट लोगे आप, तो आपको सारे दुनिया भर के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं पीछे कि कितनी स्पेस रह जाती है, अगर मेरा जैसा बंदा आगे बैठे तो कितना पीछे स्पेस रह जाता है। सन ब्लाइंडर देखने को मिलेगा, जो मतलब समझ में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। यहाँ पे मेरे मतलब 1 लीटर की बोतल शायद से ही आएगी, जो मतलब बाहर पैकेट में मिलती है वो वाली आ जाएगी, लेकिन वो घर पे हम नहीं रखते, वो वाली नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और आपको सेल्टोस के पेडल्स देखने में मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छे लुक में दिखने वाले हैं। पर इसके पीछे इंटीरियर्स की बात करें तो आपको तीनों के लिए इंडिपेंडेंट हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और 2 कप होल्डर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब बैठते हैं अंदर, कैसे स्पेस रह जाती है। इस तरह से स्पेस रह जाती है, लेकिन जो नीचे मेरा पैर है जो वो पूरा टच हो जाता है। क्योंकि कह सकते हैं कि भाई उतना ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली चीज़ है कि उतना ज़्यादा भी आप स्पेसियस तो नहीं बैठ पाएंगे एज ए 7 सीटर के हिसाब से, लेकिन हाँ जो मतलब इस रेंज में आपको सारी गाड़ी देखने को मिलेगी, आपको यही स्पेस देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। और जो ये सीट्स की मैं अगर बात करूँ तो आपको लेदर अपहोल्स्टरी देखने को मिलेगी, जो विच इज़ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिलेंगे। देखता हूँ तो मतलब मेरे हिसाब से आराम से यार 3 बंदे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा तीनों को इंडिपेंडेंट अंडररेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे आपको छोटा सा बम्प दिखने वाला, जिस वजह से जो बीच में जो पैसेंजर बैठने वाला उसको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स होने वाली है। यहाँ पे आपको पूरा प्योरीफाई सेक्शन दिखने वाला है, जिसकी वजह से जो बाहर के जो बैक्टीरियाज हैं वो आपको आपकी गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे। जो मतलब प्योरीफाई के सेक्शन है वो इस गाड़ी हैंडरेस्ट के नीचे देख सकते हैं आप, अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा कि या इसके अंदर वो चीज़ आती है। और इधर आपको बात करें एसी वेंट्स की, तो आपको यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मोबाइल रखने की जगह भी देखने को मिलेगी। और बीच में अगर बैठने की बात करूँ तो बैठ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्लास एरिया भी देखने को मिलेगा और आगे से आपको कुछ इस तरह से लुक दिखने वाला है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि आपको 18-19 लाख में ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब आ जाती है कंक्लूजन की, आपको 18-19 लाख में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर मतलब मैं कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपको इस पावर स्पेक्स में आपको पेट्रोल गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप अपने आप को किंग ड्राइवर बोलते हो और आपको जो गाड़ी आप ऐसे चलाना चाहते हो, जब भी आप गाड़ी लेके निकलो और आपकी गुड प्रेजेंस है तो काफ़ी अच्छी बनी रहे, सो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।